दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वो है समष्टि अर्थशास्त्र का विकास। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के विकास का मतलब है कि कौन कौन सी विचारधाराएं समष्टि अर्थशास्त्र में आई। तो सबसे पहली जो विचारधारा है उसको हम मानते हैं कीन्जियन परंपरावादी विचारधारा या परंपरावादी अर्थशास्त्र, लेकिन उससे पहले भी अर्थशास्त्र रहा है। हालांकि एडम स्मिथ पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने व्यवस्थित विचार दिए, उससे पहले के जो विचार हैं उसको वाणिज्यवाद यानी कि मर्केंटलिज्म और प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आया परंपरावादी अर्थशास्त्र, उसके बाद कीन्जियन अर्थशास्त्र, उसके बाद आया है मौद्रिक अर्थशास्त्र जिसको नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल। अब ये नवीन प्रतिष्ठित हो गया, नव प्रतिष्ठित आप बोल सकते हो इसको, न्यू क्लासिकल है ये। अगर हिंदी में कुछ और है तो आप देख लीजिएगा, न्यू क्लासिकल है। इसी तरीके से ये न्यू कीन्जियन है। अब न्यू को मैंने नव लिख दिया है, अगर कुछ और मतलब होता है तो आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपके यही सारे के सारे स्टेप्स हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस विचारधारा में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि सिलेबस में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई, जैसे न्यू नव कीन्जियन अर्थशास्त्र नहीं दिया हुआ सिलेबस में, लेकिन पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में इससे भी टॉपिक आया है। तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि आपको या तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ ही साथ ये सारी की सारी विचारधाराएं आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा। और अगर इसी सिस्टमेटिकल ऑर्डर से आप पढ़ते हो तो फ्रियोन की बुक में इसी तरीके का सिस्टमेटिकल ऑर्डर दिया है, एच एल आहूजा सर की बुक को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन किसी भी बुक को फॉलो करो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी स्टेप में अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वाणिज्यवाद की। बच्चों वाणिज्यवाद की जो विचारधारा है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत पॉपुलर हुई। बेसिकली बच्चों वाणिज्यवाद की जो विचारधारा है वो इस बात को लेकर चलती है कि धन और संपत्ति सबसे बड़ी चीज है। तो ये क्या करते थे कि किसी भी देश को अपनी कॉलोनी बना लेते थे, उनको मदर कंट्री कहते थे जो कॉलोनी बनाती थी, और वहां से ट्रेड करते थे। इनका ये मानना था कि व्यापार शेष में हमेशा आधिक्य होना चाहिए। और बेसिकली ये बहुत ही जबरदस्त शोषण पर आधारित रही। यूरोप और इंग्लैंड ऐसे देशों ने बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्री में जाकर अपना स्थापित किया, वहां से उन्होंने व्यापार किया। व्यापार का मेन मकसद ये था कि तैयार वस्तुओं को ये बेचें और कच्चे माल को खरीदें जिससे कि उनको व्यापार से लाभ हो, और सब कुछ उनका बेस में शोषण रहा। मैं आपको एक टेबल के थ्रू भी समझा देता हूं। देखिए एक मिनट बेटा, ये कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, बेसिकली इसमें क्या हुआ करता था, एक मिनट बेटा, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या हुआ करता था, एक कहलाती थी मदर कंट्री, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड है, ठीक है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी कॉलोनी होती थी, जैसे मान लीजिए भारत है, या मान लीजिए एक तरीके से एक है हमारा अफ्रीका का कोई देश है। तो बेसिकली ये क्या करते थे कि इंग्लैंड वाले भारत को निर्मित वस्तुएं बेचते थे, निर्यात करते थे और कच्चा माल खरीदते थे। अब इसी तरीके से वो अफ्रीका के साथ भी क्या करते थे, निर्मित वस्तुएं बेचते थे और कच्चा माल खरीदते थे। लेकिन भारत और अफ्रीका एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, यानी कि अगर अफ्रीका को भारत को कोई सामान अफ्रीका से खरीदना है तो पहले अफ्रीका से खरीदेगा इंग्लैंड और फिर इंग्लैंड बेचेगा भारत को। इस तरीके की ट्रेड पॉलिसी रहती थी। व्यापार पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे और इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से व्यापार जो था वो बहुत संकुचित था। तो बच्चों ये सारे के सारे विचार रहे वाणिज्यवाद के अंदर। वाणिज्यवाद का विरोध करने के बाद एक नई विचार पैदा हुआ जिसको हम बोलते प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद सिंगल टैक्स सिस्टम पर आधारित था। प्रकृतिवादियों के हिसाब से सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था पे, सरकार को केवल सुरक्षा स्वास्थ्य
शिक्षा, इन्हीं कार्यों पर अपना फोकस करना चाहिए। उनका यह मानना था कि भूमि का मालिक जो है केवल भूमि को ही अतिरिक्त प्रदान होता है, और ये पूरी तरीके से फ्रीडम की बात करते थे। हालांकि ये जो विचारधारा है ये बहुत ही छोटे से इलाके में थी। इसकी विचारधारा को व्यवस्थित रूप करने के बाद परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का जन्म हुआ। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस, जेपी पीगू, ये सब माने जाते हैं। तो बच्चों जो आपका सबसे पहला जो आपको यूनिट पढ़ना होगा, यानी कि सेकंड यूनिट जो है उसमें आपको सबसे पहले यही पढ़ना पड़ेगा, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के विचार। डिटेल में हम आपको वहीं कराएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि जो परंपरावादी विचार है वो दो बातों पर बेस्ड है। पहला, पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेती है, जो कि केंच का विचार, जो कि पीगू का विचार है, सॉरी जेबी से का विचार है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेती है। दूसरा, लोचशील मजदूरी होती है। यही दो विचारों पर बेस्ड है पूरा का पूरा क्लासिकल इकोनॉमिक्स। लोचशील मजदूरी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी की स्थिति पैदा होगी ही नहीं, सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज अपने आप सब काम कर लेंगे, अर्थव्यवस्था स्वयं ही संतुलन को प्राप्त कर लेती है। अर्थव्यवस्था में अगर कोई असंतुलन होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार के हस्तक्षेप की वजह से ही संतुलन हुआ है। यानी कि ये पूरी तरीके से मुक्त बाजार की बात करते थे, मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते थे। यानी कि ना तो राजकोषीय नीति की जरूरत है, ना ही मौद्रिक नीति की जरूरत है, अर्थव्यवस्था अपने आप ही पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर लेगी। अगर कभी बेरोजगारी होती भी है तो टेंपरेरी फेनोमेनन है, मजदूरी दर में परिवर्तन बेरोजगारी को अपने आप दूर कर देगा, ऐसा मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। यानी कि जो इस विचारों को समर्थन करे वही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाएगा। यानी कि टाइम फ्रेम नहीं है, अर्थशास्त्री कौन है, किस विचार से लेके आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि किस अप्रोच को वो मान के चल रहा है। केंज के परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का विरोध करते हुए केंजियन विचार पैदा हुआ। देखिए, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का जो विचार है वो लगभग 200 साल तक डेवलप रहा, लेकिन 19 के दशक में आते आते, लगभग 20वीं शताब्दी में आते आते 1930 के आसपास में रिसेशन स्टार्ट हुआ, और भारी मंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी पाई गई, बेरोजगारी बहुत लंबी थी। तब केंज विचार लेकर आए, क्योंकि केंज का जो विचार है वो इस बात पर आधारित है कि मजदूरी में दृढ़ता होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मजदूर नीची मजदूरी दर पे काम करने को तैयार हो जाएगा। तो उनका जो पूरा का पूरा मॉडल है वो ये मान के चलता है कि कीमत में और मजदूरी में दृढ़ता होती है, जिसके कारण बेरोजगारी होती है, और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए उनका पक्ष था मांग पक्ष पर, यानी कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने से समस्या दूर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सरकारी व्यय की बात की, यानी कि सरकार चाहती है बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, तो सरकार को अपना इफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाए। तो बच्चों देखिए, सिस्टमेटिकल ऑर्डर में आप समझ लीजिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स नंबर वन है, ये विचारधारा हम नंबर वन मान लेते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का विरोध करने के लिए आई केंजियन विचारधारा, ये मानती थी कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये मानती थी कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। इसके बाद एक नई विचारधारा पैदा हुई जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक अर्थशास्त्र या मौद्रिक विचारधारा, या आप कह सकते हो नव प्रतिष्ठा न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो बेसिकली ये मानती थी कि मुद्रा की पूर्ति के माध्यम से ही एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, ना कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए आप सरकारी व्यय वृद्धि करो। मतलब ये पूरी विचारधारा ये मान के चलती है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, बेरोजगारी को कम करना है, तो आपको मनी की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से काम नहीं बनेगा। तो मनी की सप्लाई बढ़ाने से बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाती है, लेकिन केवल अल्पकाल में, दीर्घकाल में बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो सकती है, ऐसा मानना था मौद्रिक अर्थशास्त्रियों का। इसकी वजह है अनुकूलतम प्रत्याशा, यानी कि धीरे धीरे करके लेबर को पता चल जाएगा कि कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए वो ऊंची मजदूरी की डिमांड करेगा धीरे धीरे करके, और ऊंची मजदूरी की डिमांड करने की वजह से बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। ये बच्चों हम डिटेल में पढ़ाएंगे, देखिए ये भी तो हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, जब आप फर्दर पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे। बेसिकली इस वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आपको पता रहे कि किस किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले आया परंपरावादी अर्थशास्त्री, परंपरावादियों के विरोध में आए केंजियन, परंपरावादी अर्थशास्त्री सरकार के हस्तक्षेप को बुरा मानते थे, केंजियन अर्थशास्त्री कहते थे कि सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर आप जीडीपी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हो। मौद्रिक अर्थशास्त्रियों ने केंजियन विचारधारा का विरोध किया, कहा सार्वजनिक व्यय बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, केवल सरकार के द्वारा मनी की सप्लाई को बढ़ा के ही बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन यह बेरोजगारी की समस्या केवल अल्पकाल में दूर होगी, दीर्घकाल में दूर नहीं होगी। इसके बाद
जो नई विचारधारा आई जिसको हम बोलते हैं नव प्रतिष्ठित, मैं आपको हिंदी इंग्लिश में बता देता हूँ, न्यू क्लासिकल बोलते हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लासिकल विचारधारा विवेकशील प्रत्याशा को लेकर चलती है। विवेकशील प्रत्याशा का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है, विवेक, रैशनल एक्सपेक्टेशन भी आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में, रैशनल एक्सपेक्टेशन मान के चलती है कि व्यक्ति के पास बुद्धि है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो सही सही अनुमान लगाने में सफल हो जाता है, जिसकी वजह से न तो मौद्रिक नीति प्रभावी होती है न ही राजकोषीय नीति प्रभावी होती है। यानी कि इनका ये मानना था ये वाली विचारधारा का कि न तो देखिए ये वाली विचारधारा जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की विचार है सेम बात पे आ गए। नव परंपरावादियों ने भी माना कि न तो मौद्रिक नीति अच्छी है ना ही राजकोषीय नीति अच्छी, बल्कि अगर आप जीडीपी के लेवल को बढ़ाना चाहते हो, बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हो, तो रियल फ्लो के द्वारा यानी कि रियल साइकिल के द्वारा ही आप इसको बढ़ा सकते हो। यानी कि आप तकनीक में चेंज करके एफिशिएंसी को बढ़ाकर, लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाकर ही आप बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हो। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति प्रभावशाली नहीं रहेगी। फिर नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विरोध में आया नव केंजियन अर्थशास्त्री। उनका यह मानना था कि मजदूरी में दृढ़ता होती है, दक्षता मजदूरी सिद्धांत और इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल, इन तीन मॉडल के बेस पे बताया उन्होंने कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में किस तरीके से गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या क्यों होती है ये उन्होंने एक्चुअली बताने की कोशिश की, जो हमारा नव केंजियन अर्थशास्त्र है। तो इन सबके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, हम सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज आपको करवाएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड कर लें, ये नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका जो भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, तो ये सब कुछ आपको करवाएंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हो, यूपीएससी के स्टूडेंट हो, तमाम तरीके के कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।